नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग योयो डायग्राम्स। आज के क्लास में योयो बायो प्रेजेंट्स एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल बनाया जाए तो कैसा बनाया जाए, अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा ना, मैंने इसका एक रफ लेआउट बना लिया है। आपके बुक्स में लाइंस होती है सो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मैंने पहले ही इसके है ना बेसिक स्केच, बेसिक फ्रेमवर्क रेडी रखा है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप एक काम करिएगा, ओके, अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर का ऐसा लंबा रेक्टेंगल बनाओ। 8 सेंटीमीटर के बाद जहां 4 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो वो 4 सेंटीमीटर का पॉइंट ऊपर ले लो और उसको कवर कर लो, सो दैट आपको अल्टीमेटली एक रॉकेट बनाना है, ठीक है। अब ये रॉकेट बनाने के बाद आपके बुक्स में जो लाइंस है, सो लाइंस के हिसाब से खाली फोल्ड करना स्टार्ट करना है आपको इस तरीके से। फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 जहां खत्म होगा ना, वहां से स्मूथ लाइन लाके यहां खत्म करना है इसको। अब इसको डबल भी कर लेते हैं ताकि डायग्राम का गेटअप सही रहे। राइट, अब जैसा इस तरफ किया ना, सेम इस तरफ लेने की कोशिश करना। अब यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 तक छोटे हैं, फिर 14 से हमने बड़ा किया है, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पहले ले लेते हैं। ये हो गया 2, 3, अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई होप ये वाला 9 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हाँ 9। अब उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक मुझे 5 सेगमेंट फिट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद देन आई कैन गो पॉइंट टू पॉइंट। ओके, अब इसको भी डबल कर लेते हैं। डायग्राम होता है कॉम्प्लिकेटेड पर हिम्मत नहीं हारने का। अब जैसे आपका रफ लेआउट रेडी हो गया ना, फिर इसके बीच में ओके, आप दूसरे कलर्ड पेन से कलर पेन निकालो, रफ नोटबुक पेन पेन से निकालो, मेरे साथ ही ड्रॉ करो। कलर्ड पेन से ना बीच में से चालू करना। अब यहां पे स्टार्टिंग में इस तरह का माउथ, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल चालू करना है। फिर यहां पे गोल गिजार्ड,
अब उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे पांच फोल्ड्स ड्रॉ करो. ओके, अब ये हो जाने के बाद हमको थोड़े मोटे फोल्ड्स ड्रॉ करने हैं. एक दो तीन चार पांच छह सात. फिर ये होने के बाद यहां पे एक इंटेस्टिनल सीकम. फिर इंटेस्टिनल सीकम से थोड़ा मोटा कर देना इंटेस्टाइन को. नीचे तक एक्सटेंड कर देना इसको. ओके, अब इतना हो जाने के बाद में यहां इंटेस्टिनल लूमेन दिखाएंगे. और इस तरफ इंटेस्टिनल फोल्ड बताएंगे. That will be Tiflosol. Now, अब इसमें सबसे मेन रहेगा हर एक सेगमेंट का नंबरिंग. इसमें बहुत फोकस करना पड़ता है. ओके, अब ये हो जाने के बाद सेंटर वाले पार्ट को कलर कर लेते हैं. अब इसके बाद ना यहां गिजर्ड में कर्व्स ड्रॉ कर लो ऐसे और फिर छोड़ दो उसको. ठीक है, नीचे की तरफ आइए. नीचे की तरफ हर एक सेगमेंट को शेड कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं अच्छे से.
ठीक है, सो फार सो गुड। अब इसके बाद ना यहां पर लिम्फ ग्लैंड्स, इसको यूं ही छोड़ देते हैं, बाकी सब पार्ट को कवर कर लेते हैं। राइट, डायग्राम का एरो रखते हैं क्लियर। अब इसके बाद ना हर सेगमेंट को ज्वाइन करना होगा। ओके इसी तरह से नेक्स्ट साइड भी पैरेलल रखो और सिमेट्रिकल रखो बेटा। So we have to go through and through, beta. इसके वजह से मेन अर्थवर्म वाला लुक आएगा डायग्राम का। अब इसमें से जो एकदम शुरुआत वाला पार्ट है, एकदम ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज माउथ। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद जो लॉन्ग ट्यूब है, दैट इज ईसोफेगस। Then esophagus के बाद next word we have is called as gizzard। Gizzard के बाद comes stomach। After stomach comes pre-tiflosolar fold of intestine। Then comes intestinal CK।
वी कैन कॉल इट एज इंटेस्टिनल सीकम. ओके, देन इसके बाद लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स के बाद में दिस इज इंटेस्टिनल लूमेन एंड दिस इज टिफ्लोसोल एंड दिस इज द टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. Upper naming, I'm not very happy with. I will rewrite it. Mouth, pharynx, esophagus, gizzard. एक एक अल्फाबेट अच्छा आना चाहिए. That makes me happy. All right, fine. तो यहाँ पे हमने बेसिक सा पार्ट तो फिनिश कर लिया है. अब इसको अर्थवर्म जैसा लुक तो देना होगा. सो हम एकदम लाइट लाइट इसका कलरिंग कंसिडर कर लेते हैं. आप लोग भी इसको अच्छे कलर पेंसिल से भर दो बेटा. Thank you.
चलो आधा रेडी हो गया, यूं छोड़ दे आधा आधा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। अच्छा भर रहा है, आनंद आ रहा है मन में, थकान भी महसूस हो रही है। पर बच्चों हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऑल राइट, सो वी आर डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अच्छे से प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ऑल राइट बच्चा, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहाँ हमने बात किया एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म के बारे में। आप भी ऐसा सुंदर डायग्राम बनाइए और अपने बायो के प्रेम को एक्सप्रेस करिए। आप मुझे ये डायग्राम बनाकर भेजिए टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ओके, जो मेरे स्टूडेंट्स फिजिकल लेक्चर्स में बैठा करते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप ड्रॉइंग, एंड डू नॉट फॉरगेट, रीड बायो, ब्लीड बायो, ब्रीद बायो, ईट बायो, ड्रिंक बायो, ड्रॉ बायो, बिकॉज यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।